क्लासेस क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे बच्चे सेक्शन बी में पर्टिकुलरली बहुत लेट ज्वाइन किए हुए हैं, तो अभी आजकल जो चल रहा होगा शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए एक अपनी तरफ से ये हेल्प हो रही है। हेल्प में हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी अभी तक हुआ है उसको हम फटाफट ब्रीफली समझ लें, ठीक है, सो दैट जो अभी तक का जो एरिया है या जो भी अभी तक का टॉपिक कवर हुआ उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अंकित बेटा अपना वीडियो ऑफ करो, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्शन बी में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच बीच में आए हैं, है ऐसा? यस सर तो वो उन यस बच्चों को पर्टिकुलरली ध्यान से सर देखना है, क्योंकि अब ये अभी टाइम मिला है, बाद में हो सकता है मैं बिजी हो जाऊं या फिर आप लोग भी बहुत बिजी होने लगोगे, प्रैक्टिस टाइम वगैरह है, तो फिर ये ऐसा बढ़िया टाइम मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो भी अपना 1 घंटा मिल रहा है ऑल्टरनेट मिलेगा, आज सेक्शन बी है, कल सेक्शन ए है, फिर नेक्स्ट डे सेक्शन बी होगा, तो हम लोग एटलीस्ट जो अभी तक हुआ वो कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, डरने की कोई बात नहीं, और इससे ईजी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर अच्छे से फैमिलियरिटी हो जाएगी तो आगे का सारा कंप्यूटर साइंस समझ में आएगा, लेकिन अगर सी में प्रॉब्लम है तो फिर डेटा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो एल्गोरिदम समझ में नहीं आएगा, तो पूरा कंप्यूटर साइंस बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो मटेरियल आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैंने एक पीडीएफ आपको बनाया हुआ है, दिया हुआ है। और एक और चीज़ कर लो, अभी बहुत सारे माइक से आवाज़ आ रही है आप लोग के, तो जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज़ उसको ऑफ करें। तो ये पीडीएफ आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। अराउंड 7 और 8 लेक्चर्स हैं इसमें, पर आज जो मेन मेन पढ़ना है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला पार्ट आपने पढ़ना है मॉड्यूल 1 में, जो इम्पोर्टेंट है वो है ये डेटा रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में डेटा बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, तो कैरेक्टर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई नंबर है 10 कैसे कन्वर्ट होगा, 10.5 कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो ये सीखना है। एक बार ये कन्वर्जन समझ में आ गया, बाइनरी समझ में आ गया, उसी में ही एक और नया टॉपिक आता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, जिसका मैंने क्वेश्चन भी दिया था, तो वो कैसे करते हैं और उसका पर्पस क्या है, ये सबसे पहला सीखना है, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग सीधे सीधे अपने सी प्रोग्रामिंग पे चले जाते हैं, वहाँ वेरिएबल पढ़ते हैं, डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं और एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा। फिर हम सीधे सीधे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जहाँ पे इफ़ है, इफ एल्स है और स्विच है, तो ये 3 पढ़ लिए। फिर हम लूप्स पढ़ते हैं, तो लास्टली हमने अभी तक लूप कवर किया हुआ, जिसमें फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो हम लोगों ने कर लिया, यानी कि हमारे मॉड्यूल 3 कवर हो चुका है। फाइनली अभी हम लोग मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर रहे हुए हैं, आज ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो एरे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंटर, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर और फाइल हैंडलिंग। अब मैं चाहता हूँ कि हम ये बीच के ये जो 3 या 4 दिन मिले हुए हैं इसमें सभी लोग एरे तक आ जाए, मतलब एरे तक सभी लोग कंपेटेबल हो जाए, सो दैट अब से जो भी आगे हम क्लासेज में पढ़ेंगे सब लोग को वो समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप ये पीडीएफ को फॉलो करोगे, इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारा सब कुछ दिया हुआ है। आज जो आप लोगों को सीखना है वो है ये नंबर कन्वर्जन, ये नंबर सिस्टम, लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है एक सिस्टम में, तो उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके अपने 2 सिंपल से रूल है, वो रूल क्या है? हाँ जी हाँ जी बताओ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? चलो फिर ध्यान लगाओ इधर। देखो अभी मेरे साथ में आप लोग भी कॉपी पेन लेकर करके चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी नंबर कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है। नंबर कन्वर्जन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कोई भी नंबर है वो आपका या तो बेस 10 में दिया होगा, बेस 10 का मतलब है डेसिमल, ठीक है, और जो अदर बेस चलते हैं जो पॉपुलर है वो है बेस 2 यानी कि बाइनरी, बेस 4 ऐसी, बेस 5 भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। सर मोर देन वन मतलब, ये मॉड्यूल 1 है। हाँ ये मॉड्यूल 1 चल रहा है,
ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला लेक्चर मैंने सारे बच्चों को पढ़ाया था सबसे पहले, वो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं पहले मॉड्यूल में, मॉड्यूल वन में, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर कन्वर्जन। और नंबर कन्वर्जन में हम सीख रहे हैं कि हमें एक नंबर से, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कुछ कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो बेस 10 को हम डेसिमल बोलते हैं, बेस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ भाई, बताओ, बाइनरी बाइनरी। फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा है आपका 60। सबसे पहले मीनिंग समझो इनका। जब भी हम लोग बोलते हैं कि मेरा नंबर डेसिमल में है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास सिर्फ 0 से लेके 9 तक डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस इतनी ही डिजिट है। आपका जो भी नंबर बनेगा सिर्फ इन डिजिट से मिलकर बनेगा। ऐसे ही अगर कोई बोले बाइनरी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास सिर्फ 0 और 1 है। कोई बोले बेस 4 का मतलब क्या है, बेस 4 में नंबर कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि भैया वो सिर्फ इन 4 चीज़ों से बनेगा, 0, 1, 2 और 3। तो इन सब में देख रहे हो, जो भी बेस होता है हम वहाँ तक ही चल रहे होते हैं। तो जैसे 4 है तो 3 तक चले, मतलब बेस -1 तक हम लोग जा रहे हैं। 5 है तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 0 है, 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 तक जाएगा, इन्हीं से बनेगा। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल ये हुआ कि अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ 1, 2.9, तो क्या ये डेसिमल नंबर में है, ये डेसिमल सिस्टम में है कि नहीं बताओ, बताओ भाई। हम लिखते हैं ना हमेशा बार बार 1, 1, 2.9, यस और नो, सुन रहे हैं सब यस लोग? सर ठीक है, ये देखो डेसिमल में, देखो यहां से मैंने 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 9 ले लिया। तो जो भी मेरा नंबर है वो केवल इन डिजिट से मिलके बना हुआ है, जो डिजिट अवेलेबल है हमारे बेस 10 में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.123, बताओ क्या ये नंबर बाइनरी बेस 5 में है कि नहीं? हाँ जी है, क्योंकि यहाँ से आपने 0 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, मतलब आप सिर्फ वही डिजिट ले रहे हो जो आपके बेस 5 में अवेलेबल है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये बेस 4 में भी नंबर है और बेस 5 में भी नंबर है। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, तो कोई भी नंबर किसी भी सिस्टम में होगा वो इसका इससे पता चलता है कि आप बेस क्या लेके चल रहे हो। तो जितनी बेस में डिजिट होती हैं उतने ही डिजिट से अगर नंबर बनेगा तब हम बोलेंगे कि ये बेस 4 में है या बेस 5 में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.1, 2, 3, 6, सर, वो बेस 15 है कि बेस 6 है? कौन सा वाला, ये बेस 16, बेस 16, ओके हाँ 16 को हेक्सा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, सोच के बताना कि ये वाला नंबर क्या बेस 5 में है? नो सर, हाँ क्यों? सर 6 आ रहा था। हाँ क्योंकि देखो अगर कोई बोले ये बेस 5 में है, तो पहले चेक करो कि बेस 5 में कितने डिजिट अलाउड है। तो 0 से 4 तक डिजिट अलाउड है, तो 0 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन 6 तो बेस 5 में है ही नहीं, तो ये आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नंबर बेस 5 में है नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी नंबर का किसी भी बेस में होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपके पास इतने सिस्टम है, तो बेस 10, 2, 4, 16 कुछ भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, सोचने को कुछ भी हो सकता है। पर पॉपुलर कौन से हैं जो मैं पढ़ने, वो बेस 10 है, 2 है, 4 है, 5 है और 16 है, और एक और होता है बेस 8। ठीक है, इसे ऑक्टल कहते हैं, इसे हेक्साडेसिमल कहते हैं, इसे बाइनरी कहते हैं, इसे डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, कभी भी तो 16 में कितना होता है सर, बेस 16 में? 16 में, हाँ गुड, 16 में 0 से लेकर 9 तो आएगा ही आएगा। फिर 10 के लिए ए आता है, 11 के लिए बी, फिर कितना आएगा, 13 के लिए सी, फिर 14 डी, 15 ई, और लास्ट में 16 के लिए क्या आएगा, एफ आएगा। 9 के बाद ABCD। ठीक हाँ 9 के बाद ABCDEF। ठीक है, अगर मान लो है सर। कोई आपको लिख आपको एक नंबर दिया हुआ है, मान लो A 4.3C, और कोई बोले
क्या ये बेस 16 में? तो आप बोलोगे जी हाँ 16 में, देखो यहाँ से ए ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, सी ले लिया, देखो पॉइंट तो अपनी जगह होगा ही होगा, पॉइंट सिर्फ ये बताता है कि ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन पार्ट है बस, ठीक है? यस सर, यस सर, क्लियर होगा सभी को? यस सर, ठीक है। आपको दो चीजें बिल्कुल याद रखनी है, जब भी कन्वर्जन आएगा आपका तो एक तरफ दिया होगा डेसिमल, और डेसिमल से किसी भी अदर बेस में ले जाने को बोला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और डेसिमल बेस 10 है, ठीक है। ऐसा काम करने के लिए आपके पास नंबर दो तरीके का हो सकता है, 40 पॉइंट मान लेते हैं, 625 ऐसे ले लेते हैं, 40.62 नंबर ऐसे भी हो सकता है 40, नंबर ऐसे भी हो सकता है 0.625, और नंबर ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके का नंबर हो, बस आपने एक कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ये है कि जो भी आपका होल पार्ट होगा उसके लिए करते हैं डिवाइड, और जो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट होगा इसके लिए करते हैं मल्टीप्लाई, बस इतना ध्यान रखना। बट किससे? जो टारगेट बेस होगा उससे। मान लो 4 पे लेके जाना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में ले जाना है, बेस 8 में ले जाना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 से किसको से डिवाइड करेंगे? 8 से ये जो होल पार्ट है ये वाला, जैसे 40 है, 40 को डिवाइड, 40 है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। तो जिस भी टारगेट बेस में लेके जाना है उससे डिवाइड कर रहे, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। कभी भी डेसिमल डिवाइड किसको करेंगे? डिवाइड होल पार्ट, होल पार्ट। आपको नंबर दे दिया 40.625, तो 40 वाले पार्ट को तो करेंगे डिवाइड, ये होल पार्ट है ना, पॉइंट से पहले वाला, और पॉइंट से बाद वाला ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है सर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से करके समझते हैं इसको, कि अगर आपको नंबर दे दिया 40.625, ये दिया हुआ है डेसिमल में, कोई आपसे पूछ ले कि भैया 24 में नंबर बना करके दिखाओ, तो अब आप यहाँ पे दो चीज़ें करोगे। सबसे पहले 40 जो होल पार्ट है इसको सॉल्व करोगे डिवाइड वाले मेथड से, तो डिवाइड किससे करना है? 4। तो डिवाइड कैसे करते हैं और कब तक करते हैं यहाँ पे समझ लो। तो 4 से 40 में डिवाइड हुआ 10 टाइम्स, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। राइट साइड पे रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे लिखा कितने बारी जा रहा है, और ये अपना डिवाइजर है, ठीक है। अब फर्दर डिवाइड, 4 से 10 में डिवाइड करेंगे, 4 2 8, तो 10 में से 8 माइनस होगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या डिवाइड करने की ज़रूरत है? जब भी नंबर आपका बेस से डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो डिवाइड नहीं करते, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो अब हम इस उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं, का जो डेसिमल में था बेस 4 में नंबर बना 220, ठीक है, एक पार्ट सॉल्व। यहाँ तक किसी को डाउट? सर एक और, इधर ये साइड वाला कैसे किया था? साइड वाला तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जैसे एक और बार ले लेते हैं 48.425 ले लेते हैं, ठीक है। तो 48 को 4 डिवाइड करना तो मैं कैसे करूं? देखो अगर 48 को मैं प्रॉपर डिवाइड करूं तो मैं कैसे करूं? 4 बन जाए 4, फिर 8 4 2 8, ठीक है, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। समझ गया सर, 0। अब yes. 12 में डिवाइड है, 4 3 12, रिमाइंडर आया 0। 3 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 4 से छोटा हो गया। यस यस सर, अब इनटू कर दो 300, ठीक है, जो था। यस सर, ठीक, ये कौन सा कहानी? अब समझ आ गया सर, होल पार्ट की, पॉइंट से पहले वाले पार्ट। यस सर, अब पॉइंट से पीछे वाला पार्ट था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करना है। हां, 6 to 5
और ये डेसिमल में था, पूछ रहे थे बेस फोर में बताओ, पॉइंट से पहला वाला पार्ट हो गया, अब पॉइंट से बाद वाला पार्ट देखते हैं, 0.625। अब इसको डिवाइड ना करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 20 हुआ 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 1 × 4 = 24, 1 = 25, यही आया? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो पॉइंट से पहला वाला है ये हिस्सा लेंगे, तो इस बार मैंने 2 उठाया, ओके सर, सिर्फ 2 उठा लिया, यस। उसके बाद जो फ्रैक्शन वाला है 0.500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके सर। अब रुकिए सर, कितना आना चाहिए आंसर? तो 2000, 2000 सर, 2, यस सर, यस सर, 2000 ले लूंगा मैं। अब बचा क्या, 0.000, जब 00 हो जाएगा तो वहां पे हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे, 0.625 जो डेसिमल में था इसका बेस 4 में क्या बना, तो आप बोलोगे 0.22 बना, ठीक है, यस सर। तो अब आपका फाइनल आंसर बन गया, फाइनल आंसर आपका ये बनेगा, आप बोलोगे कि 40.625 जो डेसिमल में था, 40 के लिए हमारे पास क्या बना था, याद है किसी को, 220, 220 सर, हाँ, तो आप लिखोगे कि 40 के लिए बना 220 पॉइंट, और 0.625 के लिए क्या बना था, पॉइंट 0.22, ठीक है, ये बना आपका बेस, ठीक, समझ में आया? देखो सर ये क्या बोलते हैं ना, सर, हाँ, पूछो। देखो सर पेज को सर प्लेट वो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अच्छा, जो सर हाँ सर ले लिए, हो गया सर, ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया। अब ऐसे ही एग्जांपल किसी भी, चाहे 8 में हो चाहे 16 में हो, तुम्हें क्या करना है, होल पार्ट को करना है डिवाइड, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, या कभी भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से पूछा जाएगा कि भैया बाइनरी में कन्वर्जन आता है, अगर कोई आपसे पूछ ले 40.625 डेसिमल में दिया हुआ है, बताओ बाइनरी में क्या आएगा, तो तरीका तो वही अपनाना है ना, 40 / 2, ठीक है, यस सर, पहले वाले पार्ट के लिए 40 / 2, अब देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 × 4, 39 39 को कैसे करेंगे, है 39 में सर, 39 कौन सा वाला, अच्छा 39 नंबर होता तो, हाँ सर, उसमें तो प्रॉब्लम आएगा सर, 40 की जगह 39 होता तो, ये सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 40, चलो मान लो अभी आप ये कहना चाह रहे हो कि 40 की जगह 39 रख लेते हैं, ये सर, एक बार अच्छे लिखे, 39, यस सर, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 39 में डिवाइड करना, 2 × 1 = 2, 1 आया 19 बना, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, रिमाइंडर कितना आया, यस सर, आया, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यस सर, 19 है तो 2 × 9 = 18, रिमाइंडर आया 1, 2 × 4 = 8, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 × 4, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 × 2, रिमाइंडर आया 0, अब क्या 1 को डिवाइड करने की जरूरत है, नो सर, 39 नो सर, उसका बाइनरी बना 1 0 0 1 1 1, ठीक है, यस सर, यस सर, 0.625 इनटू 2 करो, कितना आएगा, 2 × 5 = 10, ओके सर, 4 × 1 = 5 = 12, यही है, किसको लेंगे, यस सर, 1 को लेंगे, ठीक है, 2.0.250 बचा, इनटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 0.500, यस सर, ठीक है, इस 0 को मैं ले लूंगा, ठीक है जी, ले लिया, अब बचा क्या, 0.5, तो ये 0 आगे कैसे हो गया सर, ये वाला 0 आगे कैसे हो गया, ये वाला,
सर, ये देखो 850 है ना, पॉइंट से बाहर ओके करके, सर, हाँ सर, हाँ तो हाँ मल्टीप्लाई सर, करके तो 0.500 तो मिलेगा, है ना, यस सर, यहाँ से यस 0 निकल गया। अब क्या बना, 0.5000 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सर, 1.000, यस ठीक सर, है, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे 1। अच्छा अब क्या हो गया, 0.00 आ गया। अब यहाँ पे यस आसपास सर, मल्टीप्लाई कर दो। स्टॉप, अच्छा मैंने तुमको बता रखा है कभी कभार ये मल्टीप्लाई चलता जाएगा, पर आप 2 या 3 प्लेसेस के बाद में रुक जाना, ठीक है, तो ये चलता यस जाएगा, सर, तो आप 1 या 2 या 3 प्लेसेस के बाद में रुक जाना, उसके बाद मल्टीप्लाई मत करना, यस सर, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे कि 0.625 जो डेसिमल में था इसका बाइनरी क्या बना, तो आप बोलोगे 0.101, इसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं, ओके इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर ये बना कि 39.625 जो डेसिमल में था इसका फाइनल आंसर क्या बना, तो भैया 39 का बना 100111 पॉइंट, और 0.625 का बना 101। आ गया, सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस ध्यान उसमें हमारा। ध्यान सर लो बता दीजिएगा कैसे किए सर कौन सा मल्टीप्लाई वाला। अरे मल्टीप्लाई वाला तो बहुत आसान है, देखो हमने उसमें मल्टीप्लाई करते आने हाँ तुमको, 0.625 लिया, मल्टीप्लाई किया 2 से तो बना 1.250, ठीक है, और हाँ 1.250 में से हम पॉइंट से पहले वाला हिस्सा लेते हैं बस, तो पहला वाला हिस्सा क्या आया 1, अरे 250 हाँ तो 1 हमने ले लिया, अब बचा क्या 0.250, तो पॉइंट टू ठीक है फाइव सर, जीरो समझ को फिर गया, से 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और ऐसा करते चले जाते हैं, 2 या 3 प्लेसेस तक कर देगा बस, ठीक है। तो जी सर, जी सर, थैंक यू, समझ गया, ये है सबसे पहला कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा मैंने तुम लोग की बुक चेक की, आंसर शीट चेक की, उसमें कई बच्चों ने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड लगा दिया, शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनरी कन्वर्जन। ओके वो क्या करता है, ये होल पार्ट के लिए तो ठीक है लेकिन फ्रैक्शन वाले पार्ट पर काम नहीं करेगा, जैसे वही वाला 40.625। अच्छा लोगों ने बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया, एक शॉर्टकट मेथड भी बता रखा था मेरे बच्चों को, कि ऐसा होता है कि कोई भी बाइनरी नंबर हम लिखेंगे ना, कोई भी नंबर हम लिखते हैं 110, जैसे मान लो एक नंबर है 1110, तो हमें पता है ये क्या है 2 to the power 0 प्लेस है, ये क्या है 2 to the power 1 प्लेस है, ये 2 to the power 2 है, ये 2 to the power 3 है, ये 2 to the power 4, राइट से लेफ्ट को चलते हैं और ऐसे पावर बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 2 to the power 0 हुआ 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे और ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 32, 64, फिर 128, ठीक है। अभी मैंने बता रखा है कि मान लो आपको 40 बनाना है, तो 40 का मतलब हुआ किन किन को जोड़ करके 40 बन जाएगा, वहाँ वहाँ वन वन रख दो, जैसे 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 बन जाएगा, यस सर, तो 32 + 8 40 बन जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के 40 बन गया, तो बाकी सब में रख दो 0 0, और क्या कहते हैं जहाँ जहाँ जोड़ रहे हो वहाँ आप रख दोगे 1, तो ये बन गया शॉर्टकट तरीका, सर, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 0.625 बनाना और ये मेथड लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जाएगा सर, हाँ होल पार्ट के लिए तो अच्छे से काम कर जाएगा ये, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड इस पॉइंट वाले के लिए काम नहीं करेगा, तो वहाँ तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड को तब यस लगाओ जब एक ही नंबर दिया हो और जल्दी जल्दी काम करना हो, तब लगाते हैं इस मेथड को, ठीक। सर, चलो तो ये था आपका पहला वाला पार्ट जिसमें कन्वर्जन आएगा। अच्छा इसी कन्वर्जन में क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको दिया जाएगा ऐसे कि एक छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लो 39, और ये दिया हुआ है मान लो 16 में दिया हुआ है, ठीक है, 16 में पॉसिबल है 39, यस यस है सर, ना। और कोई आपसे पूछ यस के सर, बताओ
बेस 8 में क्या बनेगा या बेस 4 में क्या बनेगा, बेस 4 में ये नंबर क्या बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखेंगे सब लोग। अच्छा अब बताओ ये कन्वर्जन कैसे करना है। डेसिमल से दूसरे बेस में तो ले जाना आसान था, चले भी गए। अब तो उल्टा पूछ लिया ना, बेस 16 में दे दिया और बेस 4 में पूछा हुआ है। अब कैसे जिन बच्चों को बड़ा है वो आइडिया अब कैसे होगा, बड़े वाले बच्चे तो बताओ। डेसिमल में कन्वर्ट कर दे, ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही चीज बचाएगी वो है डेसिमल। इसको लेके जाओगे डेसिमल, फिर डेसिमल से इधर लेके जाओगे, तो अब कैसे करना है वाला क्वेश्चन। तो 4 से डिवाइड करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ जब डेसिमल में आ जाएगा उसके बाद डिवाइड करेंगे 4 से। अभी देखो कोई भी चीज को डेसिमल में ले जाना हो, ठीक है, कोई भी चीज को देखो। अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि डेसिमल में दिया था और किसी और बेस में लेके जा रहे हो। इसका उल्टा भी होता है, किसी और बेस में दिया है और डेसिमल में लेके जाना है। मान लो ये 39 दिया है 16 बेस में और आपसे पूछ लिया डेसिमल में क्या बनेगा, तो ये जो दूसरा वाला है ना इसका करना बहुत इजी है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जो भी बेस है 39 इसको ऐसे 16 वाला जो बेस है 16 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 ऐसे खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। बस ऐसे खुलने से ये नंबर अपने आप डेसिमल में चला जाएगा। तो 16 की पावर 0 क्या हुआ 1, 9 इंटू 1 प्लस 16 की पावर 1 हुआ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 48, ठीक है। अब ये क्या बना 48 प्लस 9 और ये जुड़ करके कितना होना चाहिए बताओ 57। yes, तो अब हम बोलेंगे कि 57, ठीक है। तो ये इस दूसरे वाले को मैं इसमें शॉर्टकट में इसलिए बता दिया क्योंकि ये सबको नोन होता है, किसी भी नंबर को जो किसी भी बेस में दिया हो अगर डेसिमल बनाना है तो कुछ नहीं करो, उस बेस से उस नंबर को एक्सपेंड कर दो बस। एक छोटा सा एग्जांपल, yes, मान लो एक नंबर मैंने दिया है तुमको 10101, ये बाइनरी में दिया, बताओ ये डेसिमल में क्या बनेगा। ठीक है, आसान है, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस नंबर को यहाँ से 2 की पावर में ओपन करना स्टार्ट कर देंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना आएगा 3 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, 2 के पावर 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 के पावर 3 8, 8 इंटू 0 0 हो गया, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 1 कितना हो गया 16, और जोड़ लो इनको 16 4 20 और 20 और 21 21। हां तो डेसिमल में ये नंबर क्या बनेगा 21, ठीक है 21। क्या है कांसेप्ट, किसी भी नंबर को डेसिमल में लेके जाना हो और किसी भी बेस में दिया हो, मान लो दिया हुआ है 1 2 5 बेस 6 में, कोई पूछ ले बताओ डेसिमल में क्या होगा। तो क्या होगा बनाओ, 5 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 2 इंटू
सिक्स की पावर वन सिक्स की पावर वन वन इंटू सिक्स की पावर वन टू। इंटू सिक्स की पावर टू हाँ तो सिक्स की पावर जीरो वन, वन इंटू फाइव कितना हुआ फाइव, सिक्स की पावर वन सिक्स हुआ, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, थ्री सिक्स की पावर टू कितना हुआ थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स, जोड़ लो इनको सत्रह सात छः तेरह और एक तीन एक एक दो तीन दो पाँच फिफ्टी थ्री, ये आया ठीक है आसान है। अच्छा जैसे होल नंबर में लेफ्ट को चल रहे पावर जीरो पावर वन पावर टू, लेकिन फ्रैक्शन वाले पार्ट में राइट को चलेंगे पावर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होने लगेगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे, एग्जांपल था ये सुने, हाँ एक एग्जांपल माइनस वाला, एक एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई अभी आपको नंबर दे दे कि 40.62 जो कि आपको दिया है मान लो बेस एट में मान लेते हैं, तो आपका डेसिमल में क्या बनेगा, तो अगेन फिर से वही वाली बात शुरू हो जाएगी, पॉइंट अपनी जगह रहेगा, ज़ीरो इंटू एट के पावर ज़ीरो प्लस फोर इंटू एट के पावर वन, यहाँ आ गया पॉइंट की राइट को चीज़ें माइनस में चलेंगी, सिक्स इंटू एट के पावर माइनस वन प्लस टू इंटू एट के पावर माइनस टू, आया समझ में। अब लेफ्ट वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो, राइट वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करो, तो लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व होगा एट के पावर ज़ीरो वन, वन इंटू ज़ीरो हो गया तुम्हारा ज़ीरो प्लस एट के पावर वन एट हुआ, एट और एट इंटू फोर कितना हुआ थर्टी टू, पॉइंट अपनी जगह रहेगा, राइट वाला पार्ट हो गया सिक्स डिवाइडेड बाई एट, यही हुआ प्लस ये कितना हुआ एट के, एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर, ठीक है। तो अगर ये माइनस टू था नीचे जाके ये बन गया एट स्क्वायर, ये बन गया सिक्सटी फोर, हो गया, ये तो बन गया थर्टी टू पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सिक्सटी फोर मान लेते हैं ऐसे ले आठ आठ चौंसठ, तो एट इंटू सिक्स प्लस टू, यही हुआ तो थर्टी टू पॉइंट, फोर्टी एट प्लस टू कितना बनेगा 48 plus 250 डिवाइडेड बाय 64। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे करके सॉल्व करोगे आप तो कितना आना चाहिए, कोई करके बताएगा 50 डिवाइडेड बाय 64 ओके सर कितना आएगा बताओ 1.28 नहीं आएगा पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 50 ऊपर है 64 से डिवाइड करो 0.78 हाँ तो 0.7 है इसका मतलब हो गया 32.78 ये बनेगा आपका डेसिमल में नंबर, समझ भाई बात। यस सर तो बस अब अगर ये चीज कांसेप्ट क्लियर हो गया तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हो कि भैया 39 दिया था मान लो बेस 16 में और पूछ ले कोई कि 39 का सर शॉर्ट कोई शॉर्ट कोड होगा सर है 39 का सर शॉर्ट कोड, जैसे कि 40 का मैं शॉर्ट कोड बता नहीं शॉर्ट कोड नहीं कर सकते 40 है सर, 39 का कैसे करेंगे शॉर्ट कोड में सर। नहीं, वो शॉर्ट कट तो बाइनरी के लिए बताया था मैंने, हां तो वो सर उसी का पूछ रहे हैं। नहीं नहीं वो हां 39 का भी शॉर्ट कुछ भी बना लो आप, क्यों नहीं बना लो, देखो मान लो बाइनरी बनाना है 39 का शॉर्टकट मेथड से, तो आपको पता है ये 1 है ये 2 है ये 4 है ये 8 है ये 16 है, 39 बनाना ना 32 चाहिए 32 32 के नीचे रखो 1 32 प्लस क्या जोड़े 4 बन गया 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39 बन गया 39। ओ हां यस सर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, यस सर समझ भाई बात, यस सर। अभी फिलहाल इसका आंसर अब आप बता पाओगे, पहले कहाँ लेके जाओगे डेसिमल में, डेसिमल से कहाँ लेके जाओगे फोर में, तो डेसिमल में ले जाना सबको आता ही है 9 × 16 की पावर 0 प्लस 3 × 16 की पावर 1 हो गया 57, ये कितना आया 57 57 तो डेसिमल में है, अब हमें कहाँ लेके जाना है बेस 4 में, तो अब आसान है 57 हाँ 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 कितना आया रिमाइंडर 1 1 4 3 12 रिमाइंडर कितना आया 2
क्या अभी और डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं, थ्री टू वन, नो सर, नो सर, लास्ट में आया थ्री टू वन टू थ्री बेस फोर, सॉरी बेस फोर, ठीक है सर। ये जो शॉर्टकट मतलब बोले थे कहाँ तक जाएगा 30, जैसे कि मैं 32 तक गया, और जैसे कि कहाँ तक जाता है? जहाँ मर्जी, पूरे 2 की पावर 10 1024 होता है। अच्छा, पावर 10 1024 होता है। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितनी पावर ले जा सकते हो आप, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी के हिसाब से जाना पड़ता है ना? बस बस बस, जितना नंबर दे दिया जाए उस हिसाब से 2 के पावर 10। अब इनके वैल्यू में लिख देता हूँ, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये आपका 32 होता है, ये आपका 64 होता है, ये आपका 128 होता है, ये आपका 1, ये कितना था, 256 होता है, ये होता है 512, और ये होता है 1024। ठीक है, कोई आपसे बोले 1239 का बाइनरी बना के दिखाओ शॉर्टकट में, 1024 में क्या जोड़ना है? 1024 में सर वो, ठीक है, 1239, 1024 मैंने ले लिया, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1, अब मुझे बनाना है कितना, 215, 215 बनाने के लिए 128 तो चाहिए होगा। बन गया, ये शॉर्टकट मेथड है। तो 23 में से 16 गए थे सर, हैं सर, 23 में 16 माइनस किया, सो 23 में से 16 माइनस करा, ये जानने के लिए कि क्या-क्या लेना पड़ेगा और कितना बचता है जो बना, 7 हुआ ना सर, 9 लिखे, 9 लिखे, हां ये 9 लिखा है, होता है, ओहो कितना होता है, 7 होता क्या, 7, अच्छा अच्छा ये सर 7 होता है, 7 होता, तो 7 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 8 तो नहीं चाहिए होगा, सही बात है, 4 तीन बचा थे, फोर टू वन है ना, तो मुझे यहाँ यस सर, तीन हुआ, यहाँ क्या चाहिए मुझे, यहाँ क्या चाहिए मुझे, वन वन, ठीक है, कितना भी यस सर हो गया, शॉर्टकट मेथड से बनाया जा सकता है, बट वो होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड तब अपनाओगे, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे और आगे सीओ वगैरह डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ोगे तब चाहिए। एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते सर, एग्जाम में से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में करो, अपना समय बचाने के लिए करो, उसको अप्लाई करो, क्यों नहीं करो, नहीं नहीं आप बोले थे इसलिए अभी, नहीं नहीं मैंने कहा अगर फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया तो उस पे मत करना अप्लाई वाला मेथड, ठीक है सर, ठीक है ना, होल नंबर पे तो कर सकते, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चलो तो एक पार्ट हो गया कवर, कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है भैया कंप्यूटर के अंदर नंबर कैसे बनाते हैं या नंबर को कैसे रखा जाता है, तो सबको पता है, सब लोग बातें करते हैं कि भैया बाइनरी में रखा जाता है, पर बाइनरी कैसे, तो बाइनरी कैसे रखा जाता है वो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। अब आप क्या करोगे इसके बाद, लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 4 को कम्प्लीटली रिवाइज करोगे फ्रॉम दिस नोट, ये पूरा मैंने नोट बना रखा है नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन पे, लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 है, एटसेट्रा, ठीक है, ठीक, यस सर, हाँ, तो अब मैं तुम्हें एक दूसरी चीज पे लेके जा रहा हूँ जो और इम्पोर्टेंट है, वो है कि अगर ये तो हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये कहता है कि आपका ये वन कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, तो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन बना के वंस कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाओ और टूस कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाओ, सर वो वाला पेज सर एक बार रिपीट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हटा दिए क्या सर, कौन सा वाला, जो भी अभी जो आप एग्जांपल्स बता रहे थे ये वाला, और इसके पीछे एक और, नहीं सर इसके बाद एक और कर लो, इसके बाद एक और लो, एक और सर, ये नहीं सर, एक और सर,
रिकॉर्ड ही ले ली सर। आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, उसको भी रेफर ठीक है कर सर, देंगे। ठीक है सर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये हो गया लास्ट वाली चीज़। हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? ठीक है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत रहा है इस बार। तुम लोग के शायद क्वेश्चन पेपर में 78 था, 78 था ना? यस हाँ, यस तो पहले 78 का बनाओगे बाइनरी, तो 78 का बाइनरी वही शॉर्टकट मेथड से बना लो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो 78 बनाना, तो 64 तो चाहिए होगा। 64 में क्या जोड़ूँ? 16? नहीं, ये बन जाएगा 80। 64 में जोड़ो 8, तो कितना बड़ा? 72। 72 में 4 जोड़ दो तो बनेगा 76। 76 में 2 जोड़ दो तो बन जाएगा 78। तो ये बना मेरा बाइनरी, किसका? 78 का। ठीक है, अब पूछा था वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, 0 को 1, 1 को 0 कर दो। तो ये वाला 0 था, ये इसको कर दो 1, ये 1 था, इसको कर दो 0, 0, 0, 1, 1, 0, बस ये बना वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा फिर पूछा था टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 कर देते हैं। तो 0 1 1 0 0 0 1 था हमारे पास, प्लस 1 कर देंगे। बाइनरी एरिथमेटिक है, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। ठीक है, 1 + 1 सर करेंगे तो 2 बनेगा। अब 2 तो बाइनरी में फिट नहीं हो सकता, 2 को कैसे लिखते हैं? 1 0। ठीक है, तो 1 0 में ये 0 तो चला जाता है नीचे सम रिजल्ट में, और ये 1 चला जाता है कैरी, ऐसे। आई समझ में? अब सर ये जुड़ा 1 + 0, 1 + 0 1 हुआ। फिर बाद में अब जोड़ने को कुछ नहीं है, तो 0 0 1 1 0, तो ये बना आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यस सर यस तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे? बाइनरी बनाओ, 1 को 0, 0 को 1 कर दो, तो ये हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, प्लस 1 कर दो, प्लस 1 करने के बाद में जो बचा वो टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब लेकिन ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट है क्या? सबसे पहला कंसेप्ट तो यही आता है कि ये है क्या चीज़। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर आपको बाइनरी अरिथमेटिक करना है, ये टॉपिक एक्चुअली में बाइनरी अरिथमेटिक से है, बाइनरी अरिथमेटिक करना है तो कोई भी नंबर हो +78 और -78, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। तो जब भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, तो इसको बाइनरी में कैसे बनाना है? तो यहाँ पे दो पॉइंट आ जाते हैं कि साइन भी है, ये आपका साइन हो गया SIGN, और ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आपका साइन भी है मैग्नीट्यूड भी है, दोनों को रखना पड़ेगा। अब दोनों को रखेंगे कैसे? तो लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने पहले से बना रखा है कि साइन को रखने के लिए प्लस को रखना है तो हम लोग 0 रखेंगे, और माइनस को रखना है तो हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है जी, इस प्लस को रखने के लिए 0 और इस माइनस को रखने के लिए 1। अब बाद में बचा जो 78, वो तो मैग्नीट्यूड है, तो वो अभी तक जैसे आप बाइनरी बना रहे हो वैसे ही बना लो। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर में अलॉन्ग विद द साइन, तब हमारे पास में 3 सिस्टम बने हुए हैं, वो अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो पहला सिस्टम होता है साइन एंड मैग्नीट्यूड। यस सर फिर दूसरा सिस्टम होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और लास्ट वाला सिस्टम होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होता है, साइन एंड मैग्नीट्यूड जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसमें 0 के दो रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं, +0 भी का बाइनरी अलग बनता है, -0 का बाइनरी अलग बनता है, तो इसलिए ये फेल हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट में एग्जांपल प्लस जीरो दाइज अलग बनता है, -0 अलग बनता है। ठीक है, साइन और मैग्नीट्यूड से यूज नहीं करना है ना। नहीं ये भी यूज़ नहीं करना,
वंस कॉम्प्लीमेंट भी यूज नहीं करना. कंप्यूटर जो यूज करता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करता है. टू कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, बताया था प्लस जीरो और माइनस जीरो जैसी चीज कोई चीज नहीं होती. जीरो का मतलब जीरो ही होता है, वो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो जीरो के लिए जीरो जीरो जीरो. ठीक, तो इसलिए कंप्यूटर क्या यूज करता है, ये वाला. लेकिन पता होना चाहिए कि साइन एंड मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर बनाते कैसे हैं. तो पॉजिटिव नंबर बनाना तो आसान है, लेकिन नेगेटिव नंबर की कहानी थोड़ा बदल जाती है. ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं. प्लस 78 बनाओ, तो प्लस के लिए लिखा 0, 78 के लिए अभी अभी हमने बनाया था, किसी को याद हो तो बता दो. यस सर, 100 1110 तीन वन के बाद एक जीरो है ना. यस सर, यस सर. ठीक है, तो ये हुआ प्लस 78. अब कोई पूछ ले माइनस 78 बनाओ, तो वो सिंपल वही कहता है कि माइनस के लिए क्या रखोगे, 1, और 78 के लिए फिर से वही. हाँ सर, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 0 का. ना 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 ना, एक मिनट, एक फोन आ रहा, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज कर. तो मेरा ही फोन आया सर. हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम बताओ. क्या भाई, सुनी कैसे हो? बढ़िया गाइस. सुनी कैसे हो, बोलो भाई, खोलो. तो साथ बैठे सवाल अजान हो गया तुम्हारे भाई, तुम्हारे लिए 5 मिनट का ब्रेक दे दिया. देखो उसको फोन अभी किया है. उसको फोन अभी करते हैं दूसरे नंबर से. यस सर, यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी. वो ये कहता है ये सिस्टम फेल हो गया. जैसे साइन एंड मैग्नीट्यूड था, ये वाला सिस्टम कौन सा था, साइन. सर मतलब ये नंबर है, बस 1 लगा देना. हां, अरे फेल है ये वाला, यूज नहीं करना, फेल है ये. अगर कोई बोले कि साइन एंड मैग्नीट्यूड सिस्टम में -78 बना के दिखाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि भैया पॉजिटिव जो भी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, वो नेगेटिव होगा. जैसे यस सर, माइनस 78 बनाना है, तो माइनस 78 बनाने के लिए अब आप ऐसे मत करना कि माइनस की जगह 1 रख दिया और 78 बना दिया. नहीं, वही कहता है माइनस 78 बनाना है तो पहले भैया प्लस 78 बनाओ. यस सर, प्लस 78 बनाना आसान है. प्लस की जगह रखा 0 और 78 पहले से बना रखा सब लोगों ने, 1 0 0 1 1 1 0. ठीक है, अब इसका ले लो वंस कॉम्प्लीमेंट. क्या ले लो, वंस कॉम्प्लीमेंट. तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं बताओ, 0 का 1, 1 का 0. यस सर, यस सर. या 0 0 0 और फिर ये आ गया 1 1, और फिर ये आ गया 0, और फिर ये आ गया 1. तो ये बोलता है कि ये होगा -70. यस सर, अगर आप 1 2 4 सिस्टम से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे कुछ और ही आएगा, लेकिन कंप्यूटर ये कहता है कि -78 जो होगा प्लस 78 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, लेकिन ये सिस्टम भी फेल है, मैंने बताया कि इसमें भी दिक्कतें हैं, इसलिए ये सिस्टम भी यूज नहीं होता. तो कंप्यूटर कौन सा सिस्टम यूज करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट करता है. टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हिसाब से
-78 बनाना हो तो पहले +78 बनाओ, +78 अभी अभी बनाया, प्लस की जगह पे रखा 0, 78 की जगह पे रखा आपने 100, 100, 1110, 0, तो 100, 1110, 0. अब वो कहता है कि भैया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मत लेना, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो. ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा. पहले इसका वंस लेंगे तो 0 और 0 0 0, ये हो गया 1 1, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 1. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1. यस सर, तो 2 प्लस 1 हुआ 0. सॉरी, तो फर्क, हां 2 को लिखते हैं बाइनरी में 1 0, ये 0 चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा बाहर, ये कदम चला जाएगा ऊपर, तो 1 1 1 0 0 1 0 1. अरे सर ये तो इजी है बहुत, है ना? तो बस इतना यस सर, कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है नेगेटिव नंबर को कैसे रखेगा, या तो वंस कॉम्प्लीमेंट में रखेगा या टूज कॉम्प्लीमेंट में रखेगा, ये टू कॉम्प्लीट नहीं है. और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं रखेगा तो साइन एंड मैग्नीट्यूड यूज कर रहा होगा. यस सर, ठीक है. लेकिन रिसर्च में ये पता चला है कि साइन एंड मैग्नीट्यूड फेल है, वंस कॉम्प्लीमेंट भी फेल है, तो अल्टीमेटली कंप्यूटर कैसे रखता है नेगेटिव नंबर को, टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या आना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है? आना चाहिए, ठीक है, ये पर्पस. ठीक, तो ये हो गया आज तक का, अभी तक का पहला लेक्चर. इसके बाद वाला लेक्चर फिर हम लोग अल्टरनेट डे के बाद में करेंगे.